पहले भी बोला मैंने आपको युष्वासन गोल लोहड़ जाए पत को जाए ये पहले बम्बू फंसाएंगे फिर उसको फंसाते फंसाते आगे चलते जाएंगे तो क्या कहते हैं कभी हज़ार तो कभी दो हज़ार तो कभी दस हज़ार ये बेवकू बनाने की बात है और कुछ भी तो सत्तर से पहले जो वादे किए थे वो तो सारे जूठे निकले जूठे इस कदर निकले कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर खसूस मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो लोग सोते नहीं हैं इतना इन्होंने हरास करके रखा है कभी वो बिल्डोजर का दाढ़ा है कभी बिजली के किराए का दाड़ा है कभी, भी, आ, दाड़ा है, कभी आ, क्या कहते हैं इसका टैक्स का दाढ़ा है सिर्फ़ रोब दाब है और कुछ भी नहीं है हाँ तीन के बाद डेवलपमेंट तो हुई जो स्टेट का करप्शन का रेशो 10 परसेंट था अब 100 परसेंट हो चुका है डेवलपमेंट तो हुई जो क्या कहते हैं जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स जो नौकरियों के लिए अब उनको चौकीदार की नौकरी दी जा रही है डेवलपमेंट तो हुई जहाँ पे एक लाइस एक दुकान कहीं शराब की दिखती थी अब हज़ारों दिखेंगी डेवलपमेंट तो हुई जहाँ पर कॉलेज दिखना था यहाँ यूनिवर्सिटी दिखनी थी वहाँ पर बियर शॉप्स और वाइन की शॉप्स दिखेंगी डेवलप तो हुई डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई डेवलपमेंट इस, इस हद तक हुई कि जिन जमीनों पे लोग मालिक थे उन जमीनों से घसीटा लोगों को और इस हद तक घसीटा कि अब जो उनको दो मरले पे जो उनका मकान या तीन मरले पे है उस पर भी टैक्स देना है डेवलपमेंट तो हुई इनका तो आ, बीजेपी का तो सही कहना है कि डेवलपमेंट तो हुई जो जम्मू कश्मीर में जो लोग जागीरदार थे उनको फ़कीर बना दिया गया और फ़कीर इस हद तक बना दिया गया कि अब उनको टैक्स भी देना पड़ेगा ये नया फ्रॉड है ये नया मजाक है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये 370 जाने के बाद हर दिन एक नया कभी बिल्डोज़र आता है कभी आ, क्या कहते हैं ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात आती है क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है ये नौकरियों की बात नहीं करते हैं ये डेलीवेजर्स की बात नहीं करते हैं ये आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात नहीं करते हैं ये बेरोज़गारी की बात नहीं करते हैं ये सड़क की बात नहीं हॉस्पिटल की बात नहीं करते हैं इन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को मजाक बना के रखा है इन्होंने सिर्फ़ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजाक करने उनको लूटना है और कुछ भी नहीं है सर आव... देखिए जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही थी तो इन लोगों ने बोला था कि ना प्रॉपर्टी टैक्स छोटे लोगों पे लगेगा और ना बिलडोज़र छोटे लोगों पे चलेगा तो जब बिलडोज़र चलने की बात आई और प्रॉपर्टी टैक्स लगने की बात आई तो सबसे पहले गरीबों पे चला तहसीलदार साहब ने सबसे पहले आ, क्या कहते हैं गरीबों को नोटिस नोटिफिकेशन भेजी चाहे टैक्स को लेके हो या चाहे बिलडोज़र को लेके हो सो इसी तरह से ये जो इनका डकोसला है झूठ है कि हमने जी छोटे लोगों को एग्जेप्ट है अगर इन्होंने दस मतलब हज़ार स्क्वायर फीट वालों को एग्जाम्ट करना है वो मतलब साढ़े तीन मरले हुए तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक एस आर ओ बनाएँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ऑर्डर पास करवाए या डी सी डोडा जो ट्वीट करते हैं सभी डी सीज को बोले कि एक सर्कुलर पास करो कि हाँ जी बड़ा एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो गवर्नमेंट का एक पेपर बनेगा जिस जिसपे लिखा होगा कि हज़ार स्क्वायर फीट वाले एग्जाम्ट हैं ऐसा कुछ नहीं है ये मैं मैं पहले भी बोला मैंने आपको युशासन गोयल लोहड़ाई पत कोई ये पहले बम्बू फंसाएँगे फिर उसको फंसाते फंसाते ये आगे चलते जाएंगे तो क्या कहते हैं कभी हज़ार तो कभी दो हज़ार तो कभी दस हज़ार ये बेवकूफ़ बनाने की बात है और कुछ भी नहीं है वो तो रखेंगे क्योंकि तीन सौ सत्तर से पहले जो वादे किए थे वो तो सारे जूठे निकले जूठे इस कदर निकले कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर खसूस मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो लोग सोते नहीं हैं इतना इन्होंने हरास करके रखा है कभी वो बिल्डोजर का दाढ़ा है कभी बिजली भी, के किराए का दाड़ा है कभी क्या कहते हैं इसका टैक्स का दाढ़ा है सिर्फ़ रोबदाब है और कुछ भी नहीं है हाँ तीन के बाद डेवलपमेंट तो हुई जो स्टेट का करप्शन का रेशो 10 परसेंट था अब 100 परसेंट हो चुका है डेवलपमेंट तो हुई जो क्या कहते हैं जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स जो नौकरियों के लिए अब उनको चौकीदार की नौकरी दी जा रही है डेवलपमेंट तो हुई जहाँ पे एक लाइस एक दुकान कहीं शराब की दिखती थी अब हज़ारों दिखेंगी डेवलपमेंट तो हुई जहाँ पर कॉलेज दिखना था यहाँ यूनिवर्सिटी दिखनी थी वहाँ पर बियर शॉप्स और वाइन की शॉप्स दिखेंगी डेवलप तो हुई डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई डेवलपमेंट इस, इस हद तक हुई कि जिन ज़मीनों पे लोग मालिक थे उन ज़मीनों से घसीटा लोगों को और इस हद तक घसीटा कि अब जो उनको दो मरले पे जो उनका मकान या तीन मरले पे है उस पर भी टैक्स देना है डेवलपमेंट तो हुई इनका तो बीजेपी का तो सही कहना है कि डेवलपमेंट तो हुई जो जम्मू कश्मीर में जो लोग जागीरदार थे उनको फ़कीर बना दिया गया और फ़कीर इस हद तक बना दिया गया कि अब उनको टैक्स भी देना पड़ेगा सो so, डेवलपमेंट तो हो रही है ना